गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा छठी का सामाजिक विज्ञान पाठ का नाम है पाठ चार पारस्परिक निर्भरता। तो इस पाठ में अपन ये जानेंगे कि अपन किस पर निर्भर है, पारस्परिक किस तरह के अपन निर्भरता करते हैं, मनुष्य की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, तो उसके बारे में अपन जानेंगे। तो आप इस पाठ को दो या तीन बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। इस पाठ में अपन को जो जो जरूरी चीजें हैं उसके बारे में मैं जो भी बिंदुए हैं वो मैं बता दे रही हूँ, तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों, अपन आज देखेंगे कि समाज में सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पारस्परिक निर्भर होते हैं। लोग एक दूसरे के लिए कुछ उगाते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं, यह क्या है? पारस्परिक है। तो कुछ चीजों गांव में बनकर शहर में आती है, जैसे दूध, अनाज, और कुछ चीजें शहर से बनकर गांव में जाती है, जैसे मशीन, कपड़ा। तो प्रत्येक इलाका एक दूसरे के इलाके, प्रदेश, देश, विदेश पर निर्भर होते हैं। हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। पारस्परिक सहयोग से जीवन सुविधा पूर्वक बनता है। नागरिक शास्त्र से संबंधित बातें हम परिवार में सीखते हैं और नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए हम स्थायी स्वशासन संस्थाएं बनाते हैं। तो बच्चों, अपन ने इस पाठ में पारस्परिक निर्भरता के बारे में पढ़ा है। तो इसमें जो भी है कि जो चीजें गांव में बनती है, गांव में क्या क्या चीजें बनती है मैंने आपको बता दिया, और इसमें एक प्रश्न भी बन सकता है कि गांव में क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें बनती है जो शहर में आके बेची जाती है। तो आपको मालूम है दूध है, अनाज है, ये क्या है? गांव में ही उगाए जाते हैं। गांव में दूध क्या है? गांव में बनता है भैंस गाय का दूध, जो बनकर वो अपन को शहर में आके बेची जाती है। तो इस तरह से अपन, और जो शहर में बनती है, शहर में क्या क्या रहता है? मशीन रहती है, कपड़ा रहता है, जो गांव में नहीं रहता है उसके लिए वो लोग क्या है कि एक जगह से अपने जैसे गांव से लोग आकर शहरों में बैठते हैं, शहरों में काम के लिए आते हैं। शहर में काम क्या होता है? मशीन से, मशीन में उनको काम मिलता है कि क्या क्या, कपड़े का काम मिलता है, तो कपड़े का काम है, उसके साथ में फैक्ट्री बहुत सारी बनती है उसमें अपन को काम मिलता है। तो गांव से जो लोग आते हैं उनको क्या है, शहरों में काम मिलता है, और काम के कारण ही वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी उनको क्या है कि गांव में जो चीजें उनको मिलती नहीं है, गांव में उनको धंधा नहीं चलता है, या गांव में उनको कुछ चीजें अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो अपन को शहरों में मिल सकती है, तो वो शहरों में आके शहर में ही बस जाते हैं। तो आज अपन ने पारस्परिक निर्भरता के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों, आगे मैं प्रश्न उत्तर भेज दूंगी, और इसका जो भी है आप एक या दो बार पाठ पढ़ोगे उसके बारे में आपको पता चल जाएगा पारस्परिक निर्भरता के बारे में, और इसके प्रश्न उत्तर में भेज दूंगी। आगे का वीडियो अपन अगले प्रश्न उत्तर में मिलेंगे। आगे का वीडियो कल होगा। बाय बच्चों।